बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आपके भाई की जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी मूछे सब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इनकी भी कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से करानी है। तो आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के पास बहुत लेट नाइट आ रही है, और लेट नाइट आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आज पूरे दिन भर जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, और दो तीन दिनों से हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सून हम आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट देंगे जो कि दिल्ली से बाहर है, क्या होने वाला है वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आकृति, विशाल और मैं जो हूँ उसके ऊपर जो है अभी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आज की जो ये वीडियो है ये भाई, मतलब आप लोगों ने हमेशा देखा कि मुसाफिर ने अपनी किया सेल्टोस में कोई नई चीज़ लगाई, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी। तो भाई देखो, जब जहाँ पर मैं अच्छाई के बारे में बात करता हूँ कि कैसे चीज़ों को आप अच्छा कर सकते हो, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि कैसे, क्या बोलते हैं, मतलब कोई जो स्टॉक चीज़ है वो कैसे आप लोगों को जो है इरिटेट कर सकती है। तो मेरे साथ भी एक चीज़ ऐसी हो रही है, आप लोगों को जैसा पता होगा कि जो लाइटिंग है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। हम लोग हाईवे में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इवन लॉकडाउन के बावजूद मेरी आज गाड़ी 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवलिंग करी है और अच्छे खासे किलोमीटर हमने गाड़ी को ड्राइव भी कर लिया। तो इसके बाद जो है आज मैं एक कह सकते हो आप लोग कंक्लूजन के ऊपर पहुंचूंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आप लोगों को बताऊं। तो भाई कंक्लूजन ये है कि जो किया सेल्टोस HT वेरिएंट, आई गेस इससे ऊपर वाले वेरिएंट में भी आप लोगों को जो लाइटिंग मिलती है वो हेलोजन मिलती है, HB3 का जो है बल्ब मिलता है, 5560 का आपको बल्ब मिलता है, और बेसिकली 9005 नंबर का, अगर आप लोग देखोगे कभी HID लगाने जा रहे हो, कुछ अपग्रेड करने जा रहे हो, तो आपको ये बोलते हैं कि 9005 का बल्ब जो है इसमें लगता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखाता हूँ। ऑल दो येलो बल्ब है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे मेरी i20 से, या फिर अगर आप लोग कंपेयर करते हो मेरी स्विफ्ट से, तो उसके कंपैरिजन में मेरे को बहुत कम लगता है। तो कैसा है पूरा आउटपुट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखो, सबसे पहले आउटपुट देखो उसके बाद बात करेंगे। लाइटिंग सेटअप की तरफ आप लोगों को दिखाने के लिए तो मेरे को इस गाड़ी से जो है थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को चीज़ नहीं समझा पाऊंगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग आ गए सबसे आगे, ठीक है भाई। तो अभी आप लोग जो लाइटिंग नीचे जली हुई देख रहे पा रहे हो वो है मेरी फॉग लाइट की, और अगर आप लोग आउटपुट वैसे बात करोगे कि रोड में क्या ये LED कुछ फायदेमंद है कि नहीं है, तो ये आइस क्यूब नो डाउट मैंने DRS की जैसे इसको लुक दे रखा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं मेरे और सेटअप से लाइटिंग के, तो ये कुछ भी इफेक्टिव नहीं है भाई, मैं कुछ जेन्युइन बता रहा हूँ, ये लुक वाइज जो है वो ठीक है। जहाँ तक आप बात करोगे हेलोजन लाइट के बारे में, तो ये है आप लोगों की लो बीम और ये है आपकी हाई बीम, ठीक है भाई। अगर आप लोग लो बीम और हाई बीम का रिस्पांस देखना चाहो तो आप दोनों जो है यहाँ पर आउटपुट वाइज देख पा रहे होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं गाड़ी जो हूँ धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, मैं साइड वाली लेन में हूँ। सो अगर आप लो बीम में गाड़ी चला रहे हो, मैंने ऑल दो यहाँ से भी जो है इसका जितना पैरामीटर जो डेली ट्रैफिक रूल्स वाला पूरा फॉलो होता है वो भी मैं फॉलो करके चल रहा हूँ कि उतना ही आपका बीम होना चाहिए, तो लो बीम का बीम मेरा बहुत नीचे आप लोग देख सकते हो क्योंकि मैं बिल्कुल रूल्स फॉलो करके चलता हूँ। और अगर आप हाई बीम में देखोगे तो हाई बीम में मेरी गाड़ी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। अब ये तो भाई देखो, आप लोग अगर बिल्कुल प्योर अंधेरे में बात करोगे तो प्योर अंधेरे में गाड़ी चलाते वक्त ये जो सेटअप है काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, लेकिन जहाँ पर हाईवे की बात आती है वहाँ पर ये वाला जो लाइटिंग सेटअप है ना आप देख रहे हो, तो ये वाला लाइटिंग सेटअप जो होता है वहाँ पर फीका पड़ जाता है, और उसका फीका पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, उसका फीका पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नो डाउट इस हेलोजन जो बल्ब का थ्रो है वो थ्रो काफ़ी अच्छी है, लेकिन लाइट जो होती है वो कहीं ना कहीं जाके एक बारी में ही फिर डिस्पर्स हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। जहाँ पर ऐसी सी लाइटें हैं वहाँ तो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल मतलब लाइटें सामने से पड़ रही होती हैं वहाँ पर तो बिल्कुल फेल वाला सीन देखने को मिल जाता है। तो सेम बात यही थी कि भाई मेरे को, मैंने जो है क्योंकि अब इतने 11,000 किलोमीटर इसको ड्राइव कर लिया है, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो 11,000 किलोमीटर जो है मैंने इसको ड्राइव कर लिया है, और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों तक इसके बारे में वीडियो लेके आए। तो यूजुअली आप लोग जब भी रोड्स में गाड़ी चला रहे हो, अगर आप लोग HID भी यूज़ कर रहे हो या IPH भी लगाते हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसकी बीम जो है नीचे जरूर रखिएगा, आपको ऑप्शन ऊपर रखने का भी ज़रूर मिलता है, लेकिन प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है नीचे ही रख के जो है आप लोग चलो। तो अभी जो मैं थोड़ा सा गाड़ी को और आगे लेके जा रहा हूँ और आपको एक जगह गाड़ी को रोकता हूँ और उधर इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ समझाता हूँ, जिससे मतलब जो मैंने हाईवे में बेसिकली रियलाइज़ किया वो यही था कि इधर रोक देते हैं, ठीक है, इधर अंधेरा है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग ऑन करेंगे अपने इंडिकेटर्स, जब भी आप गाड़ी रोकते हो इंडिकेटर जरूर ऑन करो। तो अगर आप लोग हेलोजन का आउटपुट के बारे में बात करोगे तो ये आपके हेलोजन की आउटपुट की बात है, ये लाइटिंग जीरो या फिर पूरा ऑफ कर दूंगा अगर चाबी निकाल दी है तो, ठीक है भाई, अंधेरा है तो भाई गाना भी चल गया, ठीक है। तो अगर आप लोग आउटपुट वाइज बात करोगे तो देखो मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ,
जो हेलोजन वाला सेटअप है इसके साथ मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ। इवन मैंने ट्राई किया था, ऐसे हम लोग अगर इसके अंदर प्रोजेक्टर ना आए होते और खाली रिफ्लेक्टर आए होते तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट गाय, क्योंकि मैं इसके अंदर 90-100 का बल्ब डलवाता है एंड मेरा सब सीन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो अब जो मैं इसके अंदर अपग्रेडेशन सोच रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे टॉप मॉडल की जो लाइटिंग होती है वो लाइटिंग लगाओ, भाई वो भी मैंने टेस्टिंग कर रखी है, मेरे को वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगी। और अपने को थोड़ा सा हाईवे में ज्यादा ट्रेवल है तो थोड़ा लाइटिंग सेटअप चाहिए होता है। तो आने वाले टाइम पे मैं किया का जो सेटअप है वो अपग्रेड करूंगा लाइटिंग में, अब लेट्स सी उसमें मैं हेलोजन लगाता हूं या फिर कोई अलग तरीके का अपग्रेडेशन करता हूं। लेकिन मैंने प्लान किया हुआ है कि कुछ जबरदस्त वाला जो अपग्रेडेशन है वो आप लोग लेके आऊँ। अगर आप लोग देखोगे ना वो गाड़ी जा रही है बलिनो आई गेस, तो बलिनो का भी यही है भाई, देखो जो उसमें वो एक व्हाइट लाइट वाला आता ना उसकी थोड़े पास तक तो लाइट ठीक लगती है, लेकिन हाईवे में सब फैल जाता है। ऑल्दो हाईवे में ये ठीक है लेकिन जितना अप टू द मार्क होना चाहिए उतना नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने किया के अंदर 4300 केल्विन में जो पीली लाइट में ही होता है उसमें HID लगाऊंगा, कौन सा ब्रांड लगाऊंगा उसके लिए आप लोग वेट करना। और अभी आप लोगों ने ये लाइटिंग वाला रिस्पॉन्स देख लिया ना, देखो भाई ये ऑन हाई बीम लो बीम हाई बीम लो बीम, तो आप लोगों के साथ जो है रिस्पॉन्स जरूर शेयर करूंगा एंड ये बताना जरूरी था। आई गेस सीधे कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भाई देखो अब आगे आने वाले टाइम में मेरे को इसके अंदर लाइटिंग सेटअप जो है थोड़ा सा ब्राइट अप कराना है, तो मैं ऑप्शंस ढूंढूंगा। अगेन HID का ऑप्शन तो मेरे पास एनी डे अवेलेबल है, लेकिन HID से भी अगर कुछ अच्छा ऑप्शन होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, खुद भी अपनी गाड़ियों में लगाऊंगा। ऑल्दो हम लोगों ने जितनी भी गाड़ियों में किया सेल्टोस में 9005 नंबर HID रिकमेंड करी तो उन्होंने लगवाई और उनको आउटपुट जो है बहुत ज़बरदस्त लगा। तो मेरे साथ क्या है, मैं व्हाइट लाइट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं 4300 केल्विन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे येलो लाइट ज्यादा पसंद है। इसकी वजह से काफी सारे दोस्त मेरे ये भी कहते हैं कि भाई यार पूरी गाड़ी बढ़िया लग रही, पीली लाइट बढ़िया नहीं लग रही। तो भाई क्या करें, अपना ट्रैवलिंग या हाईवे में ज्यादा है तो मेरे को इस चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। बाकी एक चीज मैं आप लोगों को इससे हटके एक बहुत अच्छी नॉलेज वाली चीज बात करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई टॉप मॉडल किया सेल्टोस की जो लाइट है वो अपनी गाड़ी में लगा लो, तो भाई नो डाउट गाड़ी में लाइटें लगाई जा सकती है, लेकिन जो वायर की ऑल्टरेशन है, जो वायर कटिंग है, वो सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। चाहे कोई कितना भी कहे कि भाई नहीं होती है, भाई मैं आपको बता रहा हूं ये इन्वॉल्व होती है। और जहां तक बात है आफ्टर मार्केट की, जैसे हेडलाइट्स आती है उनमें कपलर टू कपलर आपको ऑप्शन मिलता है, स्पेशली अगर आपको लाइट्स लगवानी है तो मेड इन ताइवान लगाओ, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत जल्दी हम भी मुसाफिर कार्स में ताइवान की जो लाइट्स है, हेडलाइट्स है, टेल लाइट्स है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यू नेवर नो कि किया सेल्टोस के लिए भी ताइवान से कुछ नया अपडेट आ जाए और आपका भाई जो अपनी गाड़ी में वो चीज करा ले, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो टेल लाइट आपने देखोगी वो LED वाली नहीं है, उसमें बल्ब लगा हुआ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं उसको जो है LED कराऊंगा। ये बात की बात है, लेकिन अभी सबसे जो मेन चीज है वो यही है कि हेडलाइट सेटअप, तो हेडलाइट सेटअप जो है मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब पूरा तैयार हो जाएगा। और लाइटिंग का मैंने बता दिया कि या खरीद रहे हो तो भाई इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो कंपनी के बारे में अगर मैंने 100 चीज अच्छी बताई है तो भाई जो जो चीजें मेरे को चलाते चलाते गलत लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा। तो आई गेस कि इसी को कहते हैं कि मैं फेयर इनफ रह के जो हूँ आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, और बाकी जैसा होगा वो तो आप लोगों को बताऊंगा। लाइटिंग जो है ये आप लोगों को मुसाफिर कार्स में मिल जाएगी भाई, बड़ी तगड़ी लाइट है। अगर देखोगे ना, देखो अंधेरा, ये अंधेरा इधर आ गया मुंह के पास, और ये, और अगर मतलब केवल इस लाइट को भी जलाऊं तो तब भी मेरे मुंह के ऊपर इतनी लाइट पड़ती है कि मैं आराम से व्लॉग कर सकता हूं। तो यूट्यूबर्स के लिए तो भाई बढ़िया चीज़ है ही है, ठीक है, और आप लोग इफेक्टिवनेस कुछ देख सकते हो। और बाकी सेटअप के ऊपर बिल्कुल काम करेंगे, स्टे ट्यून्ड। इंस्टाग्राम में मुसाफिर 7811 लिखोगे तो उसमें अपडेट बताऊंगा मैं आप लोगों को, और बाकी फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड लिख लेना। और बस यहीं पर आज की इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, रात का टाइम था, सोचा था आपसे कुछ डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा, कर ली आई गेस, और करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। टिल देन कीप वॉचिंग एंड